बिलासपुर जिले में आयोजित राहुल गांधी की आम सभा में अपनी समस्याओं का भंडार लेकर पहुंचा एक विकलांग युवक। तपती धूप और गर्म सड़क, फिर भी मन में गजब का उत्साह और साहस भी, न्याय की उम्मीद और सरकार के प्रति आक्रोश उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। जब भीड़ में जाते उस युवक से उसकी समस्या जानना चाही तो पता चला कि वह तखतपुर में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल की आम सभा में अपनी समस्याओं का भंडार लेकर जा रहा था। चंद मिनट में भीड़ उसके चारों तरफ एकत्रित हो गई। युवक ने बताया कि उसका नाम हेमू सोनवानी है, वह गुंसारी गांव का रहने वाला है। वह राहुल गांधी से मिलने जा रहा है। उसके जुबान पर एक ही रट है कि राहुल गांधी से मिला दीजिए, इसके बाद वह खुद चला जाएगा। उसे राहुल से काम है, उनको सारी समस्याएं बताना है, उसे न्याय चाहिए। उसका कहना है कि सरकार तो उसे कांग्रेस की चाहिए, मगर सरकार तो कोई भी हो, उसे बस न्याय चाहिए। सरकार बस अपना जेब भरना चाहती है। कुर्सी मिलने के बाद वह गरीब आम जनता की परेशानी को भूल जाती है। उसके पास ना रहने को घर है ना व्हीलचेयर। उसके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। भाजपा की सरकार में आज आम जनता अपनी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। भाजपा के राज में आज भी गांव-गांव में गरीब जनता तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। भाजपा के विकास के दावे की पोल गांव में पानी, बिजली, आवास, राशन, सरकारी साइकिल का अभाव खोल रहा है। मुझे गाड़ी नहीं मिला। और क्या समस्या आपकी? मुझे गाड़ी नहीं मिला, मुझे आवास नहीं मिला। हमारे रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है, मैं राहुल गांधी पास जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ। अभी आप कौन सी सरकार लाना चाह रहे हैं यहाँ? सरकार से कोई मतलब नहीं हमें जी। सरकार तो हमें चाहिए कांग्रेस ही वाला, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, क्योंकि यहाँ अपने जेब भरने वाले हैं सभी। तो आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? मुझे उनसे न्याय चाहिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि न्याय दिला देंगे राहुल गांधी? नहीं दिलाएंगे तो कोई बात नहीं जी, उनकी सरकार फर्स्ट हो गई।